ग्राम पंचायत गोठा रसूलपुर में मजदूरों ने ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान ने कहा भूखे मर रहे हो तो मरो। वाहरे कोरोना। उत्तर प्रदेश देवरिया जनपद के जिलाधिकारी अमित किशोर ने एक बैठक में सभी गांवों में निगरानी समिति को और सक्रिय व प्रभावी बनाए जाने का निर्देश दिया, लेकिन उनके आदेशों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग व आवश्यकता अनुसार सैंपलिंग कराया जाने का भी आदेश दिया था। देवरिया जनपद में एक गांव ऐसा भी है जहां के प्रधान कहते हैं, हमने तुम्हारा ठेका लिया है क्या? यह मामला देशही ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोठा रसूलपुर में गुजरात से आए मजदूरों को किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। एक मजदूर ने बताया कि हम लोग सूरत से आए हुए विद्यालय में रख दिया गया है, लेकिन ग्राम प्रधान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आप सभी लोग अपने घर से खाने और सोने की व्यवस्था कीजिए, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। विद्यालय में शौचालय बहुत ही ज्यादा गंदा पड़ा है। हमारे ग्राम विकास अधिकारी ने हम लोगों से कहा कि आप सभी लोग सरकारी हैंड पंप का पानी मत पिए, अपने घर से पानी मंगा कर पिए। ग्राम विकास अधिकारी ने कहा कि यह जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है, आप लोग उनसे बताओ। क्या नाम है आप? चंद्रशेखर सिंह। कौन सा गाँव है ये? ग्राम गोठा रसूल। किस ब्लॉक में पड़ता है ये? सही देवरिया। क्या ये लोग मामला है का बताएंगे? ये लोग जो लोग चार दिन पहले आए हैं, तो अभी तो अंदर में पुआल और कूड़ा कर पूरा भरा पड़ा था, लेकिन इन लोगों को जबरदस्ती इन लोगों को यहाँ पे रखवाया गया। कुछ लोग अपनी रजामंदी से आ गए, इन लोगों को सूचना मिली और ये लोग अभी चार दिन से हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना खाने पीने की ना कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदान करें जिनको खाना है अपने घर से मंगाइए, चाहे ना मंगाइए, आप लोग यहाँ रहिए चाहे घर जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है, ही रहे हैं। प्रधान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या जो यहाँ पे समिति बनी हुई है जो आंगनवाड़ी या जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से भी कोई भी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं। ब्लॉक से भी कोई नहीं है? कोई नहीं। वीडियो से हमारी दो दो बार बात हुई, उन्होंने कहा हम उनको सेक्रेटरी को भेज रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी आए नहीं। पहले दिन हमने खुद सेक्रेटरी को रिपोर्टिंग की, तो वो आए शौचालय का सर्वे किए और उसके बाद चले गए। इन लोगों से कोई बात आपकी बात कई बार हुई है। प्रधान सीधा कहते हैं जिन लोगों को रहना है रहिए, नहीं तो अपना होम क्वारंटीन हो जाइए, हम खाने की व्यवस्था नहीं करते। हाँ, इनमें से जो ये लोग आए हुए हैं बाहर से, इन लोगों ने किसी ने जिलाधिकारी के पास फोन किया है, किसी ने मुझे विकास अधिकारी के पास किया है, कुछ लोगों ने आपको फोन करके बुलाया है। इसलिए गोठा रसूलपुर है। किस ब्लॉक में पड़ता है? जैसे ही देवरिया में पड़ता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात बिरम गांव से आया हूँ। क्या करते थे वहाँ? वहाँ मैं काम करता था। अगर जब आए हैं कहाँ खाने पीने की व्यवस्था है? मैं आज चार दिन हो गया, मेरे को ना खाने की सुविधा ना कोई सुविधा, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिला। जीरा शौचालय के शौचालय कोई सुविधा नहीं है, शौचालय पूरा गंदा पड़ा हुआ है, हम लोग क्या करें? इधर चार दिन से कितना ही कष्ट काट रहे हैं। और उसके बाद से सिक्रेटरी साहब के पास फोन किया गया, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि मेरा जो वर्कर है काम कर रहा है वो नल का काम अपना पानी उन्हें पी रहा है, वहाँ पे तुम लोग नहीं पी सकते हो, नहीं तो मेरा वर्कर के इन्फेक्शन करेगा। तो बताइए, मैं हम वहाँ पे अपना पानी नहीं पी सकते हैं, तो हम यहाँ पे कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? और मेरे गाँव के कुछ लड़के हैं जो चंद्रशेखर जी है, ए मुन्ना, इनका मुन्ना नाम है, मिथिलेश नाम है, विजय प्रसाद है, ये करके लड़के कुछ गांव से मदद के लिए गए और मदद करके लेके अपना राशन हम लोग को खिलाने पिलाने के लिए व्यवस्थित किए। ना प्रधान सुनवाई कर रहा है, ना यहाँ के आंगनबाड़ी, ना आशा काम कर रही है, कोई यहाँ हम लोग को कोई इसमें रख नहीं रहा है और ना कोई इसके इंक्वायरी करने के लिए आ रहा है, तो हम कैसे रहेंगे गाँव में? अब प्रशासन भी कोई काम नहीं कर रहा है।